यार तो I'm sorry यार, माफ करना मुझे नीलकमल, माफ करना। नमस्कार प्रणाम। हम कुशवाहा के केराज और आप देख रहे हैं नीलकमल आर्मी का वीडियो। तो आज सभी को बताते हैं कि नीलकमल सिंह के बारे में आज बात करेंगे और वीडियो क्लिप आप शुरू में देख लिए होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप सभी के सवालों का जवाब जो है उसका हम जवाब देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितने भी नीलकमल सिंह के फैन हैं शेयर कर दीजिएगा। और एक बहुत ही अजीब बात आप लोग को बताने वाले हैं जिसका आप लोग को अंदाज़ा नहीं है और जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं नीलकमल सिंह के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी नीलकमल आर्मी के फ़ैन हैं, नीलकमल सिंह के फ़ैन हैं कट्टर, उन सभी भाई से कहना चाहते हैं तो वीडियो को टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात करते हैं कि नीलकमल सिंह का जो सभी का सवाल है, हमारे सब्सक्राइबर जितने हैं सभी का सवाल है कि नीलकमल सिंह लाइव क्यों नहीं आते हैं, नीलकमल सिंह स्टेज शो करना क्यों बंद कर दिया और नीलकमल सिंह गाना रिलीज करने के डेट जो आता है पोस्टर पे वही आता है, नहीं कि वो कभी बताते हैं लाइव आता नहीं कभी वीडियो। और आज से 11 मतलब एक साल पहले से 11-12 महीना पहले से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मतलब वो मतलब नहीं लाइव आ रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे हैं, नहीं न्यूज़ चैनल पर किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं आ रहे हैं, नहीं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, नहीं उनका कोई शूटिंग का वीडियो वायरल होता है, नहीं कोई गाना शूटिंग का वीडियो कहीं से वायरल होता है। तो इसका रीज़न क्या है तो हम रीज़न आप लोग को बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीलकमल सिंह के बारे में हम अपडेट को हमेशा देते हैं और जो बात आप लोग को नहीं पता है उसके वो भी बताते हैं, उनके बारे में जो बातें हैं उन सभी बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो आप लोग को बताते हैं कि नीलकमल सिंह लाइव क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें कि हम नीलकमल सिंह ने खुद आज से 11 महीना पहले एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू में 11 महीने एक साल पहले ये न्यूज़ चैनल पे आके रो दिए थे, क्योंकि नीलकमल सिंह हम और आपके जैसे हैं, जैसे आप हैं जैसे हम हैं वैसे एक आम इंसान जैसा है और उनका भी दिल बहुत बहुत बड़ा है। वो एक स्टेज शो में गए हुए थे और वो स्टेज शो में क्या हुआ और उसी के वजह से अभी तक वो लाइव नहीं आते हैं और नहीं बताते हैं, नहीं स्टेज शो करते हैं, क्योंकि एक बात उनको दिल में खटका और वो बहुत स्टेज पे भी दो गाना गाने के बाद रो दिए थे और उसके बाद आने के बाद वो ऐसा किए कि अभी तक वो स्टेज शो नहीं करते हैं, नहीं लाइव आकर बोलते हैं और कुछ दिन तक उनका गायकी बंद था। इसके बारे में भी जानकारी देंगे, अगर पहले वीडियो देख लीजिए उनके मुंह से सुन लीजिए कि क्या हुआ था। मुझे हाँ मेरे साथ घटना घटी थी एक, और मैं 2009 की बात है, मैं गया था पटना, शो था नेता जी की पार्टी में शो था। तो अचानक मुझे पता चला कि मैं सुबह उठ के रात में शो कर रहा था, अचानक मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई एक थे, हालांकि नहीं है वो, तो वो संजीव कमल नाम था उनका। तो मैं उस समय मुझे पता चला कि बहुत तबीयत ख़राब है, शरीर काला पड़ गया है, दांत लग रहा है, सब बहुत सुनने में आया था। तो मैं उस समय वहाँ से मैं प्रोग्राम को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम एक दो गाना गाया था, हालांकि मैं रो रहा था दिल से और मैं जल्दी भागा, लेकिन आते आते भाई मेरा नहीं रहा। तो I'm sorry यार, माफ़ करना मुझे नीलकमल, माफ़ करना। आई होप करते हैं कि वीडियो देख लिए होंगे आप लोग और समझ भी गए होंगे कि उनके उनके साथ क्या हुआ था और किस वजह से लाइव नहीं आते और किस वजह से वो सारी बातें जो है पब्लिक के सामने नहीं रखते और नहीं बताते हैं। ये पहला है नीलकमल सिंह का जीरो से हीरो बनने का पहला आप लोग के पास में डाले हैं उनका बायोग्राफी। और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पार्ट टू बहुत जल्द आएंगे। और जो भी प्रश्न आप सबके बीच में दिमाग में चलता है नीलकमल सिंह के चलते कि वो ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते, वो सभी का जवाब देंगे और सबूत के साथ देंगे। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए अगर पार्ट टू देखना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट है आप लोग को, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो देखकर हमको ये लगता है कि नीलकमल भैया से हम एक ही बात कहना चाहते हैं और आप लोग जो कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम सब आपके भरोसे हैं और आप बहुत कुछ करेंगे यही हम चाहते हैं। और आगे आप लोग आप बहुत आगे बढ़िए ये भी यही हम चाहते हैं, क्योंकि जो आज जिसको चला जाना था वो चला गया, पर उसके वजह से आप आपके हजारों लाखों फैन को
दुख मत दीजिए जो आपसे मुँह से सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, बड़े पर्दों पर देखना चाहते हैं। तो आपका क्या राय है कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और इनका फिल्म भी शूट हुआ था एक दो, वो अभी रिलीज क्यों नहीं हुआ उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप लोग अगर पार्ट टू चाहिए तो कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पार्ट वन है, पार्ट टू भी अगर आप लोग का अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो पार्ट टू लाएंगे और नीलकमल सिंह के बारे में और जानकारी देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए।